गाइस, मैं हूं ममिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज की वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर है. आज की वीडियो है व्हाट एक्चुअली हैपेंस इफ यू गो फॉर सी सेक्शन. जी हाँ, सी सेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे मेरे पास सवाल आते हैं कि सी सेक्शन क्या पेनफुल है, क्या ये एपिड्यूरल पेनफुल है, कैसा होता है सी सेक्शन, कैसे प्रोसीड्योर होता है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते रहते हैं. मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी एंड मैंने इसलिए सोचा है कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ मेरी खुद की एक्सपीरियंस शेयर करूं, ताकि जिनको भी सी सेक्शन होने वाला है या जो भी सी सेक्शन के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहे ये वीडियो. सो सी सेक्शन बहुत सारे रीजंस की वजह से होते हैं, जैसे कि अगर आपके प्रेगनेंसी में कोई भी डिफिकल्टीज आते हैं तो उसके लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपको सी सेक्शन के लिए, या फिर आपके डिलीवरी के टाइम कोई भी डिफिकल्टीज होते हैं तो इमरजेंसी पे सी सेक्शन करना पड़ता है, या फिर कुछ लोग सी सेक्शन प्लान करते हैं. सो मेरी सी सेक्शन हुई थी पर वो कोई प्लान्ड सी सेक्शन नहीं थी, तो इसके लिए मैं कहूंगी कि आप प्लीज ये वीडियो देखने से पहले मेरी डिलीवरी स्टोरी वीडियो जरूर देख ले कि मेरे साथ सी सेक्शन क्यों हुई थी. सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मेरी हॉस्पिटल एक्सपीरियंस. तो सी सेक्शन एक सर्जरी होती है एंड ये सर्जरी होने से पहले 8 घंटा आपको कुछ भी खाने या पीने की अनुमति नहीं है, क्योंकि सी सेक्शन से पहले आपको एनेस्थेसिया दिया जाता है एंड एनेस्थेसिया आपका जो डाइजेशन है उसको स्लो करता है. इसके वजह से आपको वॉमिट करने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है. सो इसी वजह से आपको कुछ भी खाने पीने की अनुमति नहीं होती है. तो मेरी सी सेक्शन हुई थी सुबह के टाइम, एकदम मॉर्निंग पे, और मैं जब हॉस्पिटल गई उस के 2 घंटे के अंदर अंदर मेरी सी सेक्शन हो गई थी. एक चीज़ अच्छा हुआ कि मॉर्निंग पे हुई और मैंने रात को खाया था, तो सुबह के टाइम मैंने कुछ भी खाया नहीं था. पर मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया था, पर वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही पिया था. तो सी सेक्शन मेरी आसानी से हो गई, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. सो मेरी वाटर ब्रेक हुई थी एंड बहुत हेवीली फ्लो हो रही थी एंड मेरी वाटर ब्रेक हुई थी एकदम सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे. तो जब हुई मैंने डॉक्टर को कॉल किया और फॉर्चुनेटली डॉक्टर तब हॉस्पिटल में ही थे, तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन आ जाओ. और फिर हम लोग गए. मेरी वाटर ब्रेक बहुत ही भयंकर वाला वाटर ब्रेक थी, बहुत ही हेवी फ्लो था. एक टैंक से अगर आप एक नल खोल दो ना तो जैसे हेवी फ्लो निकलता है वैसे ही हेवी वाला फ्लो मेरी थी. और मैं जहाँ से चल रही थी ना, मतलब लोग देख पा रहे थे कि वहाँ पे एकदम पानी गिरता हुआ जा रहा था. मैं खड़ा ही नहीं हो पा रही थी, इतना ज़्यादा पानी जा रहा था. मैं जब हॉस्पिटल पहुँची तब मेरे डॉक्टर ओटी में चले गए थे. वहाँ पे नर्स वगैरह आए और मुझे चेक किया, मेरे बेबी का हार्ट रेट वगैरह चेक किया, मेरा प्रेशर नापा. तो पर सब कुछ नॉर्मल था, बेबी का हार्ट रेट भी ठीक था एंड मेरे प्रेशर भी बिल्कुल ओके था. मतलब सब कुछ ही ओके था, बस बहुत ज़्यादा पानी जा रहा था. पर वहाँ पे मैं कहूँगी कि अगर डॉक्टर चाहते तो शायद मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी. पर क्या है ना कि हमारे वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम केसेस जो होता है ना वो सी सेक्शन ही होता है. डॉक्टर यहाँ पे सी सेक्शन प्रेफर करते हैं, तो सी सेक्शन कराया जाता है, तो इसलिए सी सेक्शन करा दिया गया. और हम भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो मेरा जो सारा रिपोर्ट है वो डॉक्टर को दिखाया गया एंड फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि एडमिट करा दो. तो फिर मैं एडमिट हो गई और एडमिट होने के बाद फिर आपका चलता है सी सेक्शन के पहले वाला जो प्रोसीडियर है वो चलता है. प्रोसीडियर का सबसे पहला पार्ट जो होता है वो है आपके लोअर एब्डोमेन से लेकर आपके प्राइवेट पार्ट तक, वो एरिया वो लोग शेव करते हैं. चाहे वो पार्ट आप कितना भी हेयर फ्री रखो लेकिन फिर भी वो लोग अपना क्लीन करते ही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है सर्जरी के दौरान. एंड उसके बाद उन लोगों ने मेरी ड्रेस चेंज किया एंड मुझे एक हॉस्पिटल गाउन पहनाया गया. उसके बाद आपको यहाँ पे आईवी लाइन इंसर्ट किया जाता है, जिसके थ्रू सलाइन वाटर आपके बॉडी के अंदर आते हैं एंड उस सलाइन वाटर में बहुत सारे मेडिसिन भी दिए जाते हैं, क्योंकि इस कुछ दिनों में ना आपको बहुत सारे मेडिसिन आपके बॉडी के अंदर दिया जाता है, तो सारा मेडिसिन बॉडी में इंजेक्ट करने से बेटर यही होता है कि सलाइन वाटर में दिया जाए, तो एक ही बारी में आ जाता है. तो ये थोड़ा सा पेनफुल होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में आपको इतने सारे टेस्ट करवाना पड़ता है, ऊपर से TT1 TT2 लगते हैं, तो थोड़ा सा हैबिट तो ये सारे इंजेक्शन खाने की तो हो ही जाता है. तो वैसा ही वाला ये है, बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं है, आपको हैबिट ऑलरेडी हो गया होगा. तो ये लगाने के बाद मुझे थोड़ा सा वेट करवाया गया, वो लोग ने मुझे बेड पर लटा के रखा. तो मैं वहाँ पे टिया एंड मेरे हस्बैंड ही थे, तो मैं उन दोनों से बातें कर रही थी और ना मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि
बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में जाग गई थी और मैं थोड़ा सा टायर्ड भी फील कर रही थी, मुझे ना नींद आ रही थी, मेरी आंखें लग रही थी तो आप लोग सोच सकते हो कि मुझे टेंशन वगैरह कुछ हो ही नहीं रहा था तब। मैं अपने आप को इतना काम रखा ना, एंड वहाँ पे ना मैं बातें करते करते मेरी आँख भी लग गई थी और टिया एंड शेखर दोनों ने मुझे नहीं जगाया तब, क्योंकि उनको भी लगा कि हाँ थोड़ा सा टायर्ड है तो अगर सो जाए तो ही अच्छा है। तो मैं जस्ट सो गई थी तो 5-10 मिनट के अंदर अंदर नर्स आए मुझे बुलाने एंड मुझे लेके गए और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ मैं चली गई। मुझे कुछ भी ऑनेस्टली बताओ तो डर वर नहीं लग रहा था, मेरे मन में यही चल रहा था कि चलो कुछ एक नए चीज़ का एक्सपीरियंस आज होने वाला है। तो मैं गई और ऊटी से पहले एक रूम हुआ करता है वहाँ पे, मतलब मैं जब जिस हॉस्पिटल में थी उसमें, एंड वहाँ पे पहले जो है मुझे वहाँ पे एक बेड में लिटाया गया फिर से और वो लोग कैथेटर लगवाए टू एम्प्टी योर ब्लैडर, फिर ही आपकी सर्जरी होती है। तो कैथेटर पेनफुल नहीं है लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है आपको, पहले पहले जब वो लोग इंसर्ट करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन धीरे धीरे फिर आपको उसका भी हैबिट हो जाता है। और फिर मुझे ओटी में लेके गए और ओटी में भी एक बेड होता है तो वहाँ पे उन लोगों ने मुझे सुलाया एंड वहाँ पे कुछ और नर्सेस थे वहाँ पे और फिर एनेस्थेसिस्ट आए। तो सबसे पहले काम उनका ही होता है क्योंकि आपके स्पाइन में एपिड्यूरल इंजेक्ट करना होता है। और एपिड्यूरल को लेके ये सवाल आएगा आई नो कि इज इट पेनफुल इज इट नॉट, तो मुझे भी इसका थोड़ा सा डर था। तो मैं भी जिनके भी साथ सेक्शन हुई थी ना तो मैं से जाके पूछी थी ये बात कि एपिड्यूरल क्या पेनफुल होता है क्या नहीं। तो मैंने जिनसे भी पूछा उनमें से 50% लोग मुझे ये कहा है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है, आपको पता चलता है कि दिया। और बाकी 50% ने मुझे ये कहा कि पता ही नहीं चलता है, कुछ भी पता नहीं चलता है। अभी आती है मेरी बारी। तो मैंने सुना था कि एपिड्यूरल जो है वो ऐसे बिठा के आपको पीछे से दिया जाता है, पर मुझे ना वो लोग लिटा के दिए। मुझे लिटाने के बाद ऐसे बेंट किया और फिर मेरी जो हेड है और मेरी जो नी है उन दोनों को एक साथ ऐसे जॉइंट किया गया और फिर क्या होता है आपका स्पाइन पीछे से अच्छी तरीके से दिखता है। तो उन लोगों को हेल्प होता है इंजेक्ट करने में एंड उन लोगों ने कहा कि बॉडी को स्टिफ मत करना, सांस मत रुक के रखना, एकदम नॉर्मल फ्री तरह से रहो। एंड फिर उन लोगों ने स्पाइन में एपिड्यूरल को इंजेक्ट किया। मैं तो भगवान के नाम लिए जा रही थी कि पता नहीं कितना ज़्यादा पेनफुल होगा या नहीं, पर पेनफुल नहीं था। इंजेक्शन जैसे होता है ना तो वैसा ही बिल्कुल था, तो पेनफुल नहीं था बिल्कुल। तो उसके बाद फिर से मेरी बॉडी को ऐसे स्ट्रेट रखा गया एंड उसके बाद आपके ब्रीदिंग, हार्ट रेट ये सब कुछ मॉनिटर किया जाता है और आपके सामने एक ग्रीन कर्टन दिया जाता है ताकि आप कुछ भी ना देखें जो प्रोसीडियर हो। एंड मेरी आँखों में भी एक पट्टी लगाया गया ऐसे ऊपर से ताकि मैं कुछ भी ना देखूँ। तब ना मैं मन ही मन में गाना गा रही थी खुद को काम डाउन करने के लिए एंड मैं वो सोच रही थी कि अभी क्या बेबी होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी एंड कैसे दिखने में होगी, क्या होगा, मतलब मैं यही सब कुछ सोच रही थी तब खुद को काम डाउन रखने के लिए एंड खुद को थोड़ा सा खुश रखने के लिए। और फिर मेरे डॉक्टर एंड कुछ और डॉक्टर्स आए तो वो लोग मुझसे बात कर रहे थे कि कब हुआ ऐसा, अचानक क्यों हुआ, क्या कर रहे थे तुम सुबह, सो ये सब नॉर्मली बातें कर रहे थे एंड अचानक से वो लोगों ने स्टार्ट कर दिया काटना तो तब ना मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये हो क्या गया, अभी अभी मुझे एपिड्यूरल दिया गया तो अभी अभी वो लोग काटना स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे ना लग रहा था। तो मैंने कहा कि मुझे लग रहा है, तो डॉक्टर ने फिर रुका, आर यू हर्ट, तुम्हें क्या पेन हो रहा है, तो मैंने कहा कि हाँ मुझे पेन हो रहा है। तो फिर मेरे पीछे एक नर्स खड़ी थी तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पेन हो रहा है या फिर तुम समझ रहे हो कि क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि हाँ पेन नहीं हो रहा है पर मैं समझ रही हूँ कि हो क्या रहा है। तो सिस्टर ने कहा कि ये नॉर्मल है, कुछ नहीं होगा। एंड उसके बाद बेबी को ओम से निकालने का जो प्रोसेस होता है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा ये होल सर्जरी में मेरे लिए। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगा, ऐसा लग रहा था कि मेरे पेट में कोई छीना झपटी हो रही है। उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर्स के साथ मेरी युद्ध चल रही है, कि मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी, मेरी सांस फूल रही थी तब और डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे बेबी को निकालने में। और बेबी को जब निकाला ना पेट बिल्कुल शांत हो गया, मीन्स युद्ध होने के बाद जो
सन्नाटा होता ना मीन्स वैसा लग रहा था. फिर अचानक से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई जो थी व्यान की रोने की आवाज़. फिर मेरे आँखों से पट्टी हटा के डॉक्टर ने मुझे दिखाया कि ये देखो आपका बेबी बॉय हुआ है. और मैंने देखा तो व्यान रो रहा था और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था. और फिर मुझे दिखाने के बाद बेबी को ऐसे साइड में ले जाया गया, मीन्स मैं देख पा रही थी तब बेबी को. तो वहाँ पे बेबी का वेट चेक कर रहे थे. और हाँ, कुछ लोग अभी पूछेंगे कि बेबी का वेट क्या था. तब बेबी का वेट था 3.4 kg. एंड वो लोग जो करते हैं, बेबी को साफ करते हैं, बेबी का नोज वगैरह क्लीन करते हैं, तो वो कर रहे थे और मैं बेबी को देख रही थी. तो विहान ना जब मुझे दिखा रहे थे और वो तभी रो रहा था. और उसके बाद वहाँ पे जब उसको लिटाया गया, एक बेड था वहाँ पे बेबी का, तो वहाँ पे जब लिटाया गया बेबी को और थोड़ी देर में वो चुप हो गया बिल्कुल और वो सब ऐसे करके देख रहा था. तो मैं दूर से वही देख रही थी उसको. एंड उसके बाद मेरे पीछे जो नर्स खड़ी थी तो उन्होंने कहा कि आपको फिर से अभी आँख में पट्टी लगाना है. एंड उन्होंने मेरी हेड जो है ना वो डाउन कर दिया. मेरे हेड के पीछे तकिया सा, पतला सा तकिया कुछ तो था पहले, तो उन्होंने उसको रिमूव कर दिया. और फिर मेरे जो बेड है उसमें मेरी हेड को थोड़ा सा डाउन पोजिशन में कर दिया. और फिर उसके बाद मेरी आंखों में पट्टी दिया गया और फिर से कर्टन तो पहले से ही था. एंड उसके बाद आगे का जो प्रोसीडियर है डॉक्टर ने वो स्टार्ट कर दिया है, मीन्स स्टिचेस वगैरह करने की. मुझे स्टिचेस लगी थी, तो बहुत लोगों को पेस्टिंग भी लगती है, पर मुझे स्टिचेस दिया गया था. एंड उस टाइम पे डॉक्टर्स आपके साथ बहुत ज्यादा बातें करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बातें करो, प्रॉपरली ब्रीथ करो. और डॉक्टर नर्सेस बार बार चेक कर रहे थे मुझे कि मैं सांस ले रही हूँ या ठीक ठाक कुछ तो नहीं, क्योंकि वो टाइम थोड़ा सा रिस्की होता है आपके लिए. आप नॉर्मल रहो, बातें करो, प्रॉपरली ब्रीथ कर रहे हो, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. एंड वो क्या कर रहे थे तो तब मुझे बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था. एंड उसके बाद ना थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लग रही थी सांस लेने में, तो डॉक्टर बार बार मुझे पूछ रहे थे कि कोई दिक्कत हो रही है क्या आपको, कोई दिक्कत हो रही है क्या आपको. तो मैंने उनको कहा कि इट्स बेटर कि आप मेरे हेड के नीचे एक तकिया रखो तो मेरे लिए सांस लेने में आसानी होगी. तो डॉक्टर ने कहा कि वो हम नहीं कर सकते, अगर मैं अभी आपके हेड के नीचे तकिया रखूं तो आपको बाद में सरदर्द हो जाएगा. फिर डॉक्टर ने नर्स को कहा कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनको नज़ल ड्रॉप दो. तो फिर नर्स ने मेरे नोज पे कुछ ड्रॉप्स डाले एंड फिर से मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ क्लॉग्ड था, वो ओपन हो गया. फिर से मैं अच्छे से सांस लेने गई, तो ऐसे एक या दो बार हुआ मेरे साथ, मेरे नोज में ड्रॉप्स दिए गए. तो टोटल सी सेक्शन करने में आपको 35 to 45 minutes लग जाते हैं. और बेबी को निकालने की प्रोसेस ना वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है. आप जब ओटी में जाते हो, ओटी में जाने के बाद मीन्स 10 minutes के अंदर अंदर बेबी वो लोग निकाल देते हैं. एंड उसके बाद का प्रोसीडियर मींस स्टिचिंग करने की प्रोसीडियर वो थोड़ा सा लेंदी होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. सो वही हो रहा था और मैं वेट कर रही थी कि सब लोग आएंगे अभी, सब लोग बेबी को आके देखेंगे, सबका क्या रिएक्शन होगा, मैं वही सोच रही थी. और पता नहीं बेबी तब कहाँ गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बेबी तब है ही नहीं यहाँ पे. विहान को ऑलरेडी मेरे फैमिली मेम्बर से मिलवाया गया एंड उसको मेरी कैबिन के बेबी कॉट में रखा गया. एंड फिर फाइनली सारा कुछ कंप्लीट हो गया, ग्रीन कर्टन हट गया. और फिर एक डॉक्टर बची थी जो क्लीन वगैरह कुछ कर रही थी मेरे यहाँ पे, साफ वाफ कर रही थी कुछ, तो वो थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे थे मेरे से, तो मैं भी अच्छे से बातें कर रही थी उनके साथ. एंड उसके बाद हॉस्पिटल के कुछ वर्कर्स आए एंड उन लोगों ने जो ओटी वाला बेड है वहाँ से मुझे एक स्ट्रेचर में उन लोगों ने शिफ्ट किया. एंड तब उस टाइम में ना मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ. मतलब कुछ भी फील नहीं हो रही थी मुझे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं बस ऐसे घूर रही हूँ सब कुछ. ऐसा लग रहा था मैं कहाँ पे आ गई हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तब कि सब लोग मुझे ऐसे मूव कर रहे थे, ऐसे शिफ्ट कर रहे थे, पर मुझे कोई, मैं कुछ फील कर ही नहीं पा रही. तो हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरा बॉडी बिल्कुल सुन हो गया है, ऐसा फील हो रहा था. और मुझे जब बाहर लेके गए, मींस मेरे कैबिन तक लेके जा रहे थे, तब वहाँ पे शेखर थे, टिया थी और मेरी मम्मी पापा भी तब तक आ चुकी थी. सब लोगों से मैं मिली तो सब लोग थोड़ा सा टेंशन में थे, क्योंकि एक ऑफ कोर्स एक ऑपरेशन है और शेखर का मुँह ना इतना सा हो गया था. वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आर यू ओके, आर यू ओके. तो मैंने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, बेबी को देखा, बेबी को देखा, क्योंकि मैं उसका एक्साइटमेंट में थी कि बेबी को देखा कि आपने कैसा लगा. तो मैं वही सब पूछ रही थी, तो मैं हंस रही थी. तो मैं जब हंस रही थी तो उन लोगों भी थोड़ा सा शांत हो गए कि नहीं
मैं बिल्कुल ठीक हूँ. तो थोड़ा सा तसल्ली हुई उन लोगों को. फिर मुझे मेरे कैबिन में दिया गया और फिर से मुझे स्ट्रेचर से लेके मेरे बेड पे दिया गया. फिर भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. एंड उसके बाद मेरी ड्रेस चेंज किया उन्होंने, जो गाउन थी वो चेंज किया, और मुझे फिर एक सैनिटरी पैड लगवाया गया. ये सब मुझे समझ में आ रहा था लेकिन फिर भी कुछ फील नहीं हो रहा था. और फिर मेरे फैमिली मेरे कैबिन में आए और एक नर्स आया और मेरे फैमिली को कहा कि मुझसे बातें करने के लिए, ताकि एक घंटा तक मैं ना सोऊं, क्योंकि एक घंटा तक आपको जगना है तब. और मैं सबसे बातें कर रही थी, हंस रही थी, घुल मिल रही थी. और एक घंटा जब हो गया ना, तब उन लोगों ने कहा कि अभी आप सो जाओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, अभी सो सकते हो. तभी तक मेरे इन-लॉज नहीं आ पहुँचे थे. वो लोग मतलब बेबी होने के बाद वो लोग सुन के फिर रवाना हुए थे. तो उन लोगों के आते आते 2:30-3 बज गए थे. और मेरी डिलीवरी हुई थी सुबह के टाइम 8 से 9 बजे के बीच. मैं सबसे बातें करी, ना ज़्यादा बातें करी थी, बातें करे जा रही थी. और तभी 12 बज गया, 1 बज गया, मैं बातें ही कर रही थी. फिर एक नर्स ने आकर मुझे कहा कि आपको कहा है कि रेस्ट करने के लिए, आप बातें ही कर रहे हो, फिर आपका सर दर्द हो जाएगा. चलो, पर मुझे नींद आ ही नहीं रही थी. मैं मतलब तभी ऐसा चाहती थी कि मैं बातें करूँ, बहुत ज़्यादा बातें करूँ. इतना मैं खुश थी, मैं हंस रही थी, बातें कर रही थी. एंड धीरे धीरे आपका जो एनेस्थेसिया है ना, उसका जो असर जब ख़त्म होता जाता है ना, तब आपका बॉडी बहुत ज़्यादा शिवर करता है, आपको ठंड लगता है. तो मैं एकदम कांप रही थी, मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा कांप रही थी. फिर एक नर्स आके मेरे ऊपर ब्लैंकेट वगैरह उन्होंने ज़्यादा करके दे दिया है, और मैं फिर भी कांप रही थी. तो मेरे घर वाले थोड़ा सा डर गए. तो सब लोगों ने फिर कहा कि नहीं, इट्स नॉर्मल, ऐसा होता है. तो मैं कांप रही थी. मतलब ऐसे करके आपका जो एनेस्थेसिया का जो असर है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होता है. एंड जो लोअर बॉडी पार्ट का, जो लोअर बॉडी पार्ट में जो आपका फीलिंग नहीं रहता है, जो सुन हो जाता है, वो धीरे धीरे से फिर आपको मतलब नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह. एंड धीरे धीरे एनेस्थेसिया का जो असर ख़त्म हो रहा था, तब धीरे धीरे मुझे पेन स्टार्ट हो रहा था. मतलब पेट में जलन हो रही थी बिल्कुल, क्योंकि ऑफकोर्स काटा गया है तो जलन तो होगी ना. तो जलन होना स्टार्ट हो रहा था. तो धीरे धीरे वो बढ़ रहा था. तो मेरे साथ जो नर्स थी, जो टीटी में थी, तो मैंने उनको पूछा ये जो अभी पेन है वो कब तक रहेगा. तो उन्होंने कहा कि 24 आवर तो रहता है. तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रही है. तो मैंने कहा कि हो तो रही है, बल्कि अगर तुम सहन ना कर पाओ तो बता दो, तो हम आपको मेडिसिन देंगे. तो मैंने उनको कहा कि देखती हूँ, मैं कुछ देर देखती हूँ, अगर मुझसे सहन नहीं होता है देन मैं कहती हूँ, देन आप मुझे मेडिसिन देना. क्योंकि मुझे देखना था कि कब तक मैं टॉलरेट कर पाऊँ. तो पेन होता जा रहा था. तो पेन ना धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, तो लग रही थी बहुत ज़्यादा. पर फिर भी मैंने नर्स को नहीं कहा कि मुझे देखना था कि कब तक मैं टॉलरेट कर पाऊँ इस चीज़ को. अगर टॉलरेट नहीं होती है देन मैं उनसे मेडिसिन मांगूंगी, मीन्स पेन किलर जो वो लोग देंगे. डॉक्टर मुझसे मिलने आए, उन्होंने कहा कि पेन के अलावा क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ. तो मैंने कहा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल. तो ठीक है सब कुछ. डॉक्टर ने मुझे चेक वगैरह किया और चले गए. अराउंड 1 घंटा मैंने पेन टॉलरेट किया. उसके बाद एक नर्स आया और फटाफट उन्होंने मेरे कमर के नीचे, मीन्स मेरे हिप पे नहीं, हिप के थोड़ा सा साइड में उन्होंने कुछ इंजेक्ट किया. उन्होंने तब पेन किलर इंजेक्ट किया मुझे. पर मैंने उनसे नहीं कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, मुझे पेन किलर दो. पर क्योंकि कुछ पेशेंट्स डॉक्टर से कह रहे थे कि हम बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ पेन किलर दे दो. तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, सबको पेन किलर दे दो. तो इसलिए मुझे भी मिल गया पेन किलर. और 1 घंटा मैंने टॉलरेट किया वो पेन को. और फिर पेन किलर देने के बाद वो धीरे धीरे वो पेन बिल्कुल चला गया. और फिर बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ मुझे, होल डे पेन ही नहीं हुआ. शायद नाइट के टाइम एक बार फिर से दिया था, अभी बहुत दिन हो गया ना, उतना ज़्यादा याद नहीं है मुझे. नाइट के टाइम शायद एक बार और दिया था, पर पेन नहीं हुआ मुझे, और फिर पेन हुआ ही नहीं. देन उसके बाद मेरे इन-लॉज आए, मेरे यहाँ के बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स गए, सबके साथ मैं बहुत हंसी मजाक कर रही थी, हंस हंस के बातें कर रही थी. तो ये देख के ना सब लोग थोड़ा सा हैरान हो गए कि इतनी बड़ी सर्जरी के बाद भी ये इतना हंस खेल रही है, इतना अच्छे से बातें कर रही है. क्योंकि ना मुझे, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी. इस दिन का ही तो इंतजार कर रही थी अब तक. जिस दिन मेरी सेक्शन हुई थी उस दिन होल डे मुझे कुछ भी खाने को एंड कुछ भी पीने को नहीं मिला.
सी-सेक्शन के बाद आपको कुछ भी खाना या पीने की अनुमति नहीं है, कुछ भी खाने पीने के लिए आपको नहीं दिया जाता है, पर वो सलाइन आपका चलता ही है। और डॉक्टर ने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है उनको तो बॉटल के जो ढक्कन है तो उतना सा पानी आप दे सकते हो, पर मैंने खुद से ही पानी नहीं मांगा कि मैंने सोचा कि पानी पीना भी ठीक भी नहीं है मेरे सेहत के लिए, सो मैं पानी नहीं पीऊँगी। तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है आपको क्योंकि बहुत देर तक आपने कुछ भी पानी नहीं पिया, भूख नहीं लगती है लेकिन प्यास लगती है आपको, भूख फिर भी आप टॉलरेट कर सकते हो लेकिन प्यास लगती है आपको, तो मुझे भी प्यास लग रही थी पर फिर भी मैंने उनको नहीं पूछा। फिर भी रात के टाइम नर्स ने मुझे आके पूछा कि पानी पीना है थोड़ा सा, तो मैंने उनको कहा नहीं मुझे पानी नहीं पीना है। और आपको एकदम स्ट्रेट जैसे सुलाया गया आपको वैसे ही बिल्कुल उस दिन रहना है। एंड मुझे ना ऐसे स्ट्रेट रह के मुझे सोने की आदत नहीं है, मुझे नींद ही नहीं आती है और पूरी रात मेरी ऐसे ही गई, मुझे अच्छे से नींद ही नहीं आई। एक घंटा अगर सोई तो नेक्स्ट आवर मैं जग के मैं मोबाइल देख रही थी कि कब सुबह होगी, कब मेरे घर वाले फिर से मुझे मिलने के लिए आएंगे। और हाँ, अगर आपका सी सेक्शन होता है तो फौरन बाद आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं भी हो सकता है। एंड बहुत लोगों का क्या होता है, जब वो लोग 6 मंथ 7 मंथ्स प्रेग्नेंट होता है तब से ही उन लोगों का ब्रेस्ट मिल्क निकलता है, तो उन लोगों के लिए अच्छा है कि बेबी जब भी पैदा होगा तभी आपका ब्रेस्ट मिल्क बेबी को मिलेगा। पर मेरी ऐसी नहीं हुई थी, बिल्कुल भी नहीं आया था प्रेगनेंसी के दौरान। तो आपका जब सी सेक्शन होता है ना उसके 2 दिन के बाद ही आपका ब्रेस्ट मिल्क आता है, तो फर्स्ट डे मेरी नहीं आई थी। फिर भी आके ना बेबी को देते हैं, थोड़ा सा निपल बेबी के मुंह के अंदर रखते हैं ताकि बेबी जितना सक करेगा उतना आएगा। तब फर्स्ट दिन मेरी नहीं आई, अभी बेबी को भूख भी लग रही है। फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट आए, उन्होंने पूछा कि ब्रेस्ट मिल्क आया ही नहीं, फिर नहीं आया तो उन्होंने कहा कि ठीक है जो फॉर्मूला मिल्क आता है वो थोड़ा सा बेबी को पिलाओ क्योंकि बेबी भूखा है अभी। तो बेबी को फर्स्ट डे ना फॉर्मूला मिल्क दिया गया। फिर नेक्स्ट डे जब सुबह हुई तब मेरी ऑलरेडी 24 आवर्स हो गई थी। एंड उस दिन मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस हुई कि मैं बेड पे लेटे लेटे मैंने ब्रश किया। ऐसे ही करवाया जाता है कि मुझे थोड़ा सा पानी पिलाया गया, आफ्टर 24 आवर्स मुझे थोड़ा सा पानी दिया गया, तो पानी पी के ना मैं इतना ज़्यादा खुश हो रही थी पर भूख भी लग रही थी क्योंकि मैंने 24 आवर्स तक कुछ भी नहीं खाया है, तो भूख भी लग रही थी पर तभी भी उन्होंने कुछ नहीं दिया, थोड़ा सा स्पंज बात कर देता है। पर उस दिन अच्छी चीज़ ये हुई कि मुझे टर्न करने के लिए दिया क्योंकि 24 आवर तक आप स्ट्रेट लेटे रहो तो आपका तो हालत ख़राब हो जाता है, तो मैंने टर्न किया, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी मैं तब। और फिर 12 बजे के दौरान उन्होंने मुझे एक कप चाय, मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो उन्होंने मुझे एक कप रॉ चाय जो होता है रॉ चाय उन्होंने दिया, उसके साथ मुझे बिस्किट्स दिए खाने के लिए। तो मैं बिस्किट्स खा रही थी, मैं खाते खाते 4 बिस्किट मैंने मारे, बिस्किट दिया था उन्होंने, मैं 4 बिस्किट फिनिश कर दिया, तो उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा नहीं खाना है आपको, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती आपको, अगर मैं होल पैकेट दे दूँ ना तो आप पूरा ही खा लोगे क्योंकि इतना ज़्यादा भूख है अभी। वही मेरा हुआ ब्रेकफास्ट प्लस लंच, 4 बिस्किट प्लस वो रोचा। और सलाइन जो है वो चलता रहता है, मेडिसिन उसमें भी चलती रहती है और थोड़ा बहुत आके इधर से उधर से इंजेक्शन दिया जाता है आपको। एंड उस दिन मुझे आफ्टरनून के टाइम थोड़ा सा बिठाया दिया गया ताकि मैं थोड़ा सा बैठ सकूं। अभी भी मैं कुछ फील नहीं कर पा रही थी कि मेरे कोई ऑपरेशन हो रही थी, आई वॉज नॉर्मल, बस मुझे बैठने में उठने में साइड होने में ये सब चीज़ों में किसी की हेल्प लग रही थी, मैं अकेले नहीं कर पा रही थी, तो ऐसे ही गया। एंड उस दिन रात को डिनर में शायद उन्होंने कुछ दिया था, चाय एंड बिस्किट ही मुझे शायद फिर से दिया गया था, मैं भूल गई ये दिया गया था या फिर कुछ भी नहीं दिया गया था, तो ऐसा ही था, मतलब ऐसा सच कुछ खाने को नहीं मिला था। उसके नेक्स्ट डे मुझे खाना खाने की परमिशन मिली थी एंड घर से मेरे सासू माँ ने मेरे लिए एकदम बॉयल्ड चावल एंड चावल के साथ आलू मिक्स करके उन्होंने मुझे भेजे थे, तो मैंने वही खाया। एंड मैंने जो खाया ना एक टिफ़िन बॉक्स में भर के दिया गया था और मैंने खूब सारा खाया, इतना अच्छा लग रहा था खाना खाने तब। और उसी दिन मेरी थोड़ी सी ब्रेस्ट मिल्क आई थी और जब ब्रेस्ट मिल्क आई थी तो चाइल्ड डॉक्टर ने कहा था कि अभी जो फॉर्मूला मिल्क है वो टोटली स्टॉप कर देना है, आपको अभी से ब्रेस्ट फिट करना है आपके बेबी को टिल 6 मंथ। तो मैंने वैसा ही किया, बिहान के 6 महीने तक मैंने बिहान को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर ही रखा, मैंने बिहान को पानी भी नहीं पिलाया।
सो ये मेरी थर्ड डे थी एंड उस दिन मुझे वॉक करवाया गया, मुझे बाथरूम लेके गए वो लोग एंड मैं उस दिन बाथरूम गई क्योंकि उससे पहले तो सब कुछ बेड में ही था. तो उस दिन मैं चल रही थी फर्स्ट टाइम ऑन द थर्ड डे आफ्टर माय सी सेक्शन, क्योंकि सी सेक्शन मेरी सुबह को हुई थी तो वो होल डे था एंड नेक्स्ट डे मुझे सिर्फ बिठाया गया एंड मुझे टर्न करने के लिए दिया गया एंड थर्ड डे पे मुझे चलवाया गया. एंड आफ्टरनून के टाइम एक नर्स आके मुझे लेके पूरा हॉस्पिटल उन्होंने वॉक करवाया, मीन्स ऑफकोर्स सीढ़ी से नहीं, ऊपर से ही उन्होंने, मेरी जो फर्स्ट फ्लोर पे थी तो उन्होंने पूरा हॉस्पिटल उन्होंने मुझे वॉक करवाया. तो मैं देख रही थी कि मैं ठीक ठाक चल पा रही थी, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी एंड टाइम टू टाइम डॉक्टर्स आते हैं सारे वो लोग चेक करते हैं तो सब कुछ नॉर्मली था. मेरा बीपी बहुत बार चेक करते हैं, पता नहीं कितनी बार बीपी वो लोग चेक करते हैं आफ्टर सी सेक्शन, बहुत बार कर रहे थे तो मैं नॉर्मली थी, मुझे ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं हो रही थी. एंड रात के डिनर के लिए भी उन्होंने मुझे अलाउ किया तो मेरे घर से मुरमुरा दिया गया. मुरमुरा में थोड़ा सा पानी मिला के, थोड़ा सा चीनी मिला के वही मैंने खाया था तो वही था मेरा डिनर. तो उस दिन दो टाइम मुझे खाना नसीब हुई थी तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी. एंड उसके नेक्स्ट डे तो कुछ डॉक्टर उस दिन भी रखते हैं एंड कुछ डॉक्टर्स डिस्चार्ज कर देते हैं तो मुझे ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है. तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि फिर भी ठीक है एक दिन और यहाँ पे रह लो, पर मैं रहना नहीं चाहती थी और शेखत भी चाहते थे कि अभी घर जाओ. तो डॉक्टर ने उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग चल सकते हैं घर. तो फिर डॉक्टर ने भी डिस्चार्ज कर दिया. तो जाने से पहले उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे जैसे रह रहे हो वहाँ पे भी सेम वैसे ही रहना है. और सब कुछ खाने के लिए उन्होंने कहा था मुझे कि सब कुछ ही खाओ नॉर्मली, डेयरी चीज़ें अभी मत खाओ क्योंकि गैस होने की चांसेस होती है. तो सी सेक्शन में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी खा रहे हो उसमें आपको गैस फॉर्म ना हो. तो इसलिए मैं बहुत ही हल्का फुल्का लाइट सा खाना खाती थी, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाती थी. तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकती हूँ या नहीं, मीन्स दूध दही. तो डॉक्टर ने कहा कि आप खा सकते हो लेकिन मेक श्योर ये करना होगा कि उससे आपको गैस फॉर्म नहीं हो रहा है. और उसके बाद फिर ऐसे ही डिस्चार्ज हो गए हम और फिर हम लोग विहान को लेके फिर चले गए घर. एंड हाँ, तब तक मैं मीन्स तीन दिन तक मैंने नहीं नहाया है. और फोर्थ डे जब मैं घर गई थी थोड़ा बहुत मैंने अपने आप को क्लीन किया लेकिन प्रॉपरली मैंने शावर नहीं लिया था. मैंने आफ्टर सी सेक्शन ऑन द नाइन्थ डे मैंने शावर लिया था, इतने दिन बिना शावर लेके मैं रही थी. ऑफकोर्स डेली मैं क्लीन कर रही थी खुद को, स्पंज बाथ टाइप कर रही थी पर प्रॉपरली जो शावर लेना वो नहीं कर रही थी. सो यही था मेरी हॉस्पिटल एक्सपीरियंस. हाँ, अभी क्वेश्चन आएगा कि सी सेक्शन क्या पेनफुल है. तो मेरी एक्सपीरियंस से मैं कहूँगी कि सी सेक्शन बिल्कुल पेनफुल नहीं है, आपको पता भी नहीं चलता है आपका सी सेक्शन हो जाता है. और फिर ये क्वेश्चन आएगा कि स्टिचेस कितना ज़्यादा पेनफुल होता है. स्टिचेस पेनफुल होता है, जब आपका एपिड्यूरल का असर कम हो जाता है तब स्टिच बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है. लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा टाइम पेन सहन नहीं किया था, मैंने कहा था जैसे 1 आवर मैंने सहन किया था, फिर उसके बाद मुझे पेन किलर दिया गया और फिर कुछ महसूस ही नहीं हुआ, ऐसे ही चला गया. और इसके बाद मैं अपना कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि सी सेक्शन, हाँ माना कि सी सेक्शन पेनफुल नहीं होता है लेकिन आफ्टर सी सेक्शन वाला जो चीज़ होता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता है. आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी आप 2 दिन रेस्ट लेने के बाद आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हो लेकिन सी सेक्शन के बाद बहुत दिन तक आप नॉर्मल नहीं हो पाते हो. मतलब आपको अगर एक प्लस पानी पीना है तो उसके लिए भी आपको किसी की मदद चाहिए. आप अगर सोए हुए हो आपको बैठना है तो उसके लिए भी आपको मदद चाहिए. आप बैठ के उठना चाहते हो उसके लिए भी आपका हेल्प चाहिए. आप बैठे हो उससे सोना चाहते हो एंड उसके लिए भी आपको किसी का हेल्प लगता है. कुछ दिनों तक आप बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहते हो तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मुझे छोटी छोटी बातों के लिए सबकी मदद लेनी पड़ रही है. मीन्स मैं सही सलामत होके भी मैं नहीं हूँ लेकिन फिर भी क्योंकि एक सर्जरी हुई है आपके पेट में, स्टिचेस है तभी भी, तो पेनफुल नहीं है लेकिन फिर भी इट हर्ट्स, थोड़ा सा आपको लगता है, पता चलता है लेकिन वो आप सहन कर सकते हो. सी सेक्शन के बाद आपको प्रॉपरली रेस्ट करनी चाहिए और थोड़ा सा ना घर में आप चलते फिरते रहो, जैसे आप हॉस्पिटल में जैसे करवाया जाता था वैसे आप घर में वॉक करते रहो. तो मैंने वैसा किया था. वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मैं काम नहीं करती थी. 1 महीने मैंने प्रॉपरली रेस्ट किया और फिर
उसके बाद मैंने सीसेक्शन से 3 महीने तक मैंने हल्का पुल्का काम किया, मीन्स नेक्स्ट 2 मंथ मैंने हल्का पुल्का काम किया, क्योंकि 3 मंथ बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है. उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी खुद को चोट नहीं पहुंचाना है, खुद को हर्ट नहीं करना है. ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कहीं आप गिर ना जाओ, फिर दिक्कत आ सकती है. तो 3 महीने तक आप सावधानी से रहो बिल्कुल, एंड 3 महीने तक थोड़ा सा तो ऐसा लगता है, एंड 3 महीने बाद आप एकदम पहले की तरह फील करोगे कि जैसे आप पहले थे, प्रेगनेंसी से पहले आप जैसे फील करते थे तो वैसा वाला फील करोगे. एंड उसके बाद भी 3 महीने तक आप थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हेवी काम नहीं, क्योंकि 6 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है, आपको खुद का ध्यान रखना चाहिए. सो बस यही है, आई थिंक मैंने सब कुछ ही कवर कर दी है जो भी मुझे कहनी थी. एंड आई थिंक ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए जिनका भी सेक्शन होने वाला है. और अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पे, सबका लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है. और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.